डांस और सिंगिंग में विनर को कैश प्राइज दिया जाएगा और किड्स फैशन के विनर को क्राउन देकर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन 7 जुलाई को एबसिट में किया जाएगा। इस अवसर पर AGS के डायरेक्टर अमित गर्ग, अमित शर्मा, नीता भारद्वाज, अनिल गुप्ता, सविता शर्मा और सिमरन उपस्थित रहे। सबसे पहले आपको परिचय जाना। जी, मेरा नाम अमित गर्ग है और मैं AGS ग्रुप से हूँ। सर, आज जो आप प्रोग्राम करा रहे हैं इसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या प्रोग्राम है, कब ये प्रोग्राम? जी, आज हमारे इस प्रोग्राम की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हमारा प्रोग्राम 7 जुलाई को ABESIT कॉलेज में है। प्रोग्राम का नाम फील्ड डांसिंग सिंगिंग एंड किड्स फैशन शो है। इसके मुख्य आयोजक रिया शर्मा हैं, जो इनका सीज़न 2 है। सीज़न 1 इससे पहले हो चुका है, जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। इस बार जो सीज़न 2 है, हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्लेटफॉर्म दें और इसका मुख्य आकर्षण ये है कि इस बार हम बच्चों को फ्री किड्स फैशन शो दे रहे हैं, जिसमें हम बच्चों से कोई चार्ज नहीं ले रहे। इसमें लगभग हमारे 12 से 15 एंट्री किड्स फैशन शो में आ चुकी है। कुल मिला के डांसिंग सिंगिंग में 50+ एंट्रीज़ हैं, जो कि मेरठ, मुरादनगर, मोदी नगर और दिल्ली, नोएडा, इन सब जगह से हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं। जो भी हमारा किड्स फैशन शो का विनर होगा, उसको हम क्राउन से नवाजेंगे और साथ ही साथ उसको ई कॉमर्स वेबसाइट का एक शूट भी देंगे। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब नगर निगम की टीम ने रिहायशी इलाके में एक अवैध पॉलिथिन फैक्ट्री पर छापेमारी की और एक मकान में चल रहे इसी फैक्ट्री में बड़ी संख्या में अवैध तरीके से पॉलिथीन का निर्माण किया जा रहा था। नगर निगम की टीम ने मौके से 2.5 क्विंटल पॉलिथीन बरामद करने के साथ साथ फैक्ट्री को सीज कर दिया। वहीं आसपास में चल रही अन्य फैक्ट्रियों पर भी छापेमारी की गई, लेकिन फैक्ट्री संचालक मौके से फरार हो गए। थाना क्षेत्र के गोविंद नगर में ये प्लास्टिक पॉलिथीन बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, क्या कार्रवाई की जा रही है और कुल कितनी पॉलिथीन बरामद? इसमें अभी तक 2.5 क्विंटल पॉलिथीन पकड़ी गई है और 25,000 का हमने जुर्माना लगाया है और बाकी क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत इसकी फैक्ट्री सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। इस जनपद में कुल कितना इस अभियान के द्वारा कितनी फैक्ट्रियां अभी तक पकड़ी गई हैं? अभी तक शासन के 15 जुलाई 2018 क्रम में करीब 38,690 kg पॉलिथीन जब्त की जा चुकी है। आज का छोड़कर आज का भी काउंट नहीं किया है और इसमें 11,49,000 रुपये की धनराशि वसूल की गई। इसमें मैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग करता है। आप एसआई साहब भी हमारे साथ। कहते हैं कि बच्चा जन्म से ही जैसे माहौल में रहता है उसी के अनुसार ढल जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुरादाबाद में, जहां जरीफ नाम का युवक उन जहरीले सांपों से दोस्ती कर उनके साथ खेलता है, जिन जहरीले सांपों को देखकर आम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब जरीफ और उनके दोस्तों यानी सांपों के किस्से खूब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं। सांपों से उनकी दोस्ती का आलम यह है कि उसे अपने कपड़े की दुकान में भी साथ रखकर कभी कभार खेलने लगते हैं। कहाँ रहते हैं? मोहल्ला ठाकुरान, खारीकुआ, जिला मुरादाबाद। अच्छा, आप सांप पकड़ने, सांपों का क्या मन लगता है बताइए? हमारे पिताजी पकड़े करते थे, बहुत शौक मुझे पड़ा हुआ है। अच्छा, कब से पकड़ने हैं? मैं बचपन से पकड़ता हूँ, 5 साल की उम्र से। अच्छा, कभी आपको डर ना लगता है? डर लगता है, फिर भी पकड़ना पड़ता है। दूसरों की परेशानी के लिए इसे घर में आता है तो जाना पड़ता है पकड़ने, किसी को परेशानी नहीं पड़े, क्यों आसपास एरिया में कोई सांप पकड़ने वाला नहीं है। किसी के घर में से पकड़ा, वहाँ से पकड़ा, तुरंत जंगल में छोड़ दिया। अब तक कितने पकड़ लिए होंगे? कम से कम लाखों सांप पकड़ लिए होंगे अपने पास। पकड़ा 10-15 मिनट रखा, बाहर जाके जंगल में नदी के पास जाके छोड़ देते हैं। पीलीभीत के बरखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र में आज आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ बरखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र पर बरखेड़ा विधायक किशन लाल राजपूत द्वारा किया गया। इस मौके पर गरीबी रेखा के जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को आयुष्मान जन आरोग्य योजना के आज कार्ड वितरित किए गए। बरखेड़ा विधायक किशन लाल राजपूत ने कहा कि हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना का शुभारंभ किया था। अब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया है।